नमस्कार, आज हम जो लॉ ऑफ टॉर्ट है उसके अंतर्गत लॉ ऑफ टॉर्ट के कैरेक्टरिस्टिक के विषय में जानेंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं? तो लॉ ऑफ टॉर्ट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में जो मेन जो फीचर्स हैं, पहला सिविल रॉन्ग है, दूसरा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट, और तीसरा है रिमेडीज। तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। तो सिविल रॉन्ग, टॉर्ट सिविल रॉन्ग क्या है? रॉन्ग अगेंस्ट पर्सन और डिफरेंट फ्रॉम अदर सिविल रॉन्ग सच एज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन सबसे अलग। रिमेडी क्या है? इसमें जो है बेस्ड ऑन कॉमन लॉ सिस्टम, रिमेडी जो होती है वो जो है कॉमन लॉ सिस्टम पर बेस्ड होती है, ठीक है। इन रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ पर्सन इन टॉर्ट बोथ रिमेडीज आर अवेलेबल। टॉर्ट में जो है इन रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ पर्सन इन टॉर्ट बोथ रिमेडीज आर अवेलेबल। तो टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। टॉर्ट क्या है? एक प्रकार का सिविल रॉन्ग है। किस सेंस में? इन द सेंस दैट इट इज रॉन्ग अगेंस्ट द पर्सन, रॉन्ग अगेंस्ट द पर्सन एंड नॉट अगेंस्ट द सोसाइटी। सोसाइटी के पूरी लार्ज समूह में नहीं, जो भी पर्सन के अगेंस्ट कोई भी गलत है वह टॉर्ट है। टॉर्ट एक प्रकार का क्या है? सिविल रॉन्ग है। किस सेंस में? जो है उस पर्सन के साथ कुछ भी गलत होता है। टॉर्ट जो है डिफरेंट फ्रॉम अदर सिविल रॉन्ग। टॉर्ट जो होता है अन्य जो सिविल रॉन्ग्स होते हैं जैसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब भी सिविल रॉन्ग हैं, लेकिन जो टॉर्ट होता है इन सभी, टॉर्ट एक प्रकार का सिविल रॉन्ग है लेकिन जो है इन सबसे टॉर्ट अलग है। ब्रीच ऑफ किससे? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। रिमेडी जो है कॉमन लॉ सिस्टम पर बेस्ड होती है एंड किसी और जो है इन केस रॉन्गफुल ऑफ एक्ट ऑफ अ पर्सन रिजल्ट इन टॉर्ट। टॉर्ट में जो है अगर किसी भी पर्सन का जो रॉन्गफुल एक्ट जो है इन केस रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ रिजल्ट इन टॉर्ट, टॉर्ट में भी वो आता है और एज वेल एज वो क्रिमिनल रॉन्ग में भी आ रहा है, तो क्या होगा? देन तब जो है बोथ रिमेडीज विल बी अवेलेबल टू द विक्टिम। जो विक्टिम है उसके लिए दोनों रिमेडीज अवेलेबल होंगी। मेरे विचार से आपको समझ में आया होगा। अब जो है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट यानी वायलेशन ऑफ लीगली प्रोटेक्टेड राइट, देन लीगल मशीनरी इन मोशन टू क्लेम कंपेंसेशन के लिए क्लेम कर सकती हैं। इट इज इंसेंशियल, यह आवश्यक है कि दैट देयर शुड बी अ वायलेशन ऑफ लीगली प्रोटेक्टेड राइट। सोशल एंड मोरल रॉन्ग्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट, दस इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ लीगली प्रोटेक्टेड राइट देन कंपेंसेशन फ्रॉम द रॉन्ग डूअर। जो भी व्यक्ति गलत करता है वो उससे जो है कंपेंसेशन की डिमांड होगी। और जो है इसमें जो फाइनल जो थर्ड थिंग है वो है रिमेडीज। तो जो रिमेडी है, रिमेडी किस फॉर्म में अवेलेबल होती है? रिमेडी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के फॉर्म में अवेलेबल होती है। रिमेडी इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन एंड रेस्टिट्यूशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन अ सुटेबल केस। सुटेबल कुछ केसेज में जो है इंजंक्शन एंड रिस्टिट्यूशन के फॉर्म में भी रिमेडी अवेलेबल होती है। तो इस प्रकार से लॉ ऑफ टॉर्ट के तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं, सिविल रॉन्ग, इंफ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट, जहाँ भी लीगल राइट का वायलेशन होता है वहाँ जो है लीगल एक्शन लिया जाता है, और रिमेडी जो है इसमें अवेलेबल होती है। इसी के साथ जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक समाप्त।